तो हेलो गाइज, वेलकम टू द वीडियो। तो गाइज, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने IQ 3 के ऊपर, क्योंकि इसका जो यहाँ पे छोटा सा अपडेट आया है जो कि लगभग 400 MB के आसपास है, और आप जो इसको सिक्योरिटी पैच भी बोल सकते हैं, जो कि काफी लेट आया है लगभग 4-5 महीने के बाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको छोटे अपडेट की नहीं, एक मेजर अपडेट की जरूरत है, क्योंकि फोन के अंदर जो है दुनिया भर के बग भरे पड़े हैं इसमें, जिनको कि फिक्स करना काफी जरूरी है। फोन को लॉन्च हुए सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, ज्यादा पुराना भी नहीं हुआ है, और इसका प्रोसेसर वगैरह भी अच्छा है, 865। तो जहां तक तो है मुझे लगता है इसमें एक मेजर अपडेट की नीड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि IQ के सभी डिवाइसेस में यहाँ पे जो है फन टच OS आने लग गया है 12 वाला, जो कि काफी अच्छा है इससे तो। लेकिन इसमें अभी भी वो पुराना वाला मॉन्स्टर UI आता है, जो कि इतना कुछ खास नहीं है, और इसमें बग तो दुनिया भर के भरे ही पड़े हैं, काफी सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन रोटेट वाला, तो अपने आप ही वो ऑटो रोटेट हो जाती है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती। उसके अलावा भी काफी बार ऐप क्रैश हो जाता है, या फिर कोई कोई ऐप इसमें चलती नहीं। और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो इसके खासकर अभी थोड़े टाइम से आने लगी है, वो है इसकी बैटरी की। इसकी बैटरी बैकअप जो है बिल्कुल गिर गया है। मतलब अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो जितना फोन ये एंड्रॉइड 11 पे लगभग 70% पे चलता था ना, उतना ही अब 100 पे चलता है। ऑलमोस्ट 30% इसका बैटरी बैकअप जो है ड्रॉप हो चुका है, लेकिन हो सकता है इस अपडेट के बाद थोड़ा बहुत फिक्स हो जाए। और काफी सारे यूजर ये भी कमेंट कर रहे थे कि इसकी चार्जिंग स्पीड काफी कम हो गई है। मेरे पास जो है फिलहाल इसका चार्जर नहीं है, क्योंकि घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से वो जो है फूक गया है। तो फिलहाल मैं इसको 10 वाट के चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं अपडेट करने के बाद कि चार्जिंग में डिफरेंस आया है या नहीं। तो अब जो इसको जो है अपडेट कर लेते हैं। इसमें जो इतना खास कुछ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्मली सिक्योरिटी पैच 200 या 250 MB का आता है, लेकिन ये जो है 400 MB का है। तो हो सकता है इसमें जो है थोड़ा बहुत फोन को ऑप्टिमाइज किया हो। पहले जो इसमें मई 2022 का सिक्योरिटी पैच चल रहा था, लेकिन अब जो है सितंबर 2022 हो जाएगा। तो फिलहाल मैं जिस वर्जन पे रन कर रहा हूँ वो है 8.70.33, जो कि एंड्रॉयड 12 पे बेस है, और अब जो वर्जन आया है वो है 8.70.35। तो इसको जो अपडेट कर लेते हैं। तो इस अपडेट को करने के बाद मैं इसको कुछ दिन यूज़ करूंगा, और फिर मैं आपको या तो अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा अगर कुछ चेंजेस आते हैं बैटरी में या फिर कैमरा में किसी भी चीज़ में। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो। बस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।